पलवल में नशीला पेय पदार्थ मिलाकर विधवा महिला का अपहरण कर गैंग रेप किया गया। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पलवल महिला थाना प्रभारी सविता रानी ने बताया कि 25 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह विधवा है और पलवल में रहती है। गांव पिंगौर निवासी दिलशाद ने एक दिन पीड़िता के पास फोन किया और कहा कि वह तुम्हारे घर आ रहा है। थोड़ी देर बाद दिलशाद घर आ गया और उसके हाथ में पेप्सी थी। दिलशाद ने पीड़िता को पेप्सी पिलाई, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। पीड़िता जब होश में आई तो वह गांव पिंगौर में थी और दिलशाद उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। उसके बाद दिलशाद ने अपने साथी भोला व नौसाद को बुलाया, जिन्होंने बारी बारी पीड़िता का गैंगरेप किया। पीड़िता आरोपियों के चंगुल से जैसे तैसे छूटकर अपनी माँ के पास पहुंची और आप बीती बताई। पीड़िता ने अपनी माँ की मदद से मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला ने हाजिर थाना आकर बयान दिए कि उसके साथ आरोपी ने जबरदस्ती रेप किया है और उसकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। दो अन्य आरोपी हैं इसमें, जो गैंग रेप के धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पेप्सी का इसमें जिक्र किया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो इनिशियली जो कार्रवाई होनी है वो सभी कंप्लीट कर ली गई है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला ने अपने आप को विधवा बताया जी। 4 साल पहले इसके पति की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद ये सिंगल है, 3 बच्चों की माँ है।